वेलकम फ्रेंड्स लंतरंतर चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे आई ओसी अप्रेंटिसिस रिक्रूटमेंट 2022 के डिटेल्स नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स के बारे में तो इस साल आई का जो अप्रेंटिसिस पोस्ट है उसमें 1535 टोटल पोस्ट निकला है और ये जो पोस्ट निकला है ये है टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिसिस का वैकेंसीज और अगर आसाम का बात बोला जाए तो आसाम में तीन आई का रिफाइनरीज है एक है गुवाहाटी एक है डिग्बॉय और एक है बोंगाई ठीक है गाइज तो इन तीनों रिफाइनरीज में कितना कितना वैकेंसीज निकला है आज हम लोग जानेंगे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट तो आप लोग वीडियो का साथ बना रहिए अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए मैं डेली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का अपडेटेड वीडियोज़ एंड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इफॉर्मेशन टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो चलिए वीडियो देखते हैं तो गाइज़ जैसे कि मैंने बोला है आई एस का रिक्रूटमेंट हो रहा है और उसमें टोटल फिफ्टीन सीट्स है और आई सी एल का टोटल जितना भी ऑल ओवर इंडिया में रिफाइनरीज है ठीक है गुवाहाटी बारूनी गुजरात देन हल्दिया मथुरा देन पानीपत डिग्बोय बंगाईगांव ठीक है गाइज देन प्रदीप रिफाइनरी तो अलग अलग रिफाइनरीज है तो बाहर का आउट ऑफ असम का रिफाइनरीज में कितना वैकेंसीज है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करके ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट्स नहीं होगा तो मेनली हम लोग जानेंगे आसाम का जो तीन रिफाइनरी से जो कि गुवाहाटी रिफाइनरी डिग्बॉय रिफाइनरी एंड बोंगाईगाँव रिफाइनरी तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ गुवाहाटी रिफाइनरी में वन सीट है डिग्बॉय रिफाइनरी में वन हंड्रेड एंड सीट्स हैं एंड बोंगाईगाँव रिफाइनरी में वन हंड्रेड थर्टी है तो चलिए आज हम लोग जानेंगे उसका क्वालिफिकेशन और एंड कैसे अप्लाई करना पड़ेगा तो गाइज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है तो मैं जो पार्ट्स एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों का साथ शेयर करूँगा एडवर्टाइजमेंट का पी है आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और एप्लीकेशन में कैसा करके अप्लाई करना पड़ेगा इसमें आई का एप्रेंटिसिस में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और पी डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोग वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वन ज़ीरो वन कोड है जिसका ट्रेड डिसिप्लिन देन क्वालिफिकेशन एंड रिफाइनरी ठीक है गाइज तो पहला जो ट्रेड है वो है ट्रेड अप्रेंटिसिस अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल ठीक है गाइज़ उसमें उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है थ्री इयर्स बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हरों से भी होगा ठीक है गाइज़ तो ये है ट्रेड अप्रेंटिसिस का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिफाइनरी से जितना भी सारा रिफाइनरी आई का है सब में ऑलमोस्ट वैकेंसी है और इसका जो टाइम पीरियड है वो है ट्वेल्व मंथ ठीक है गाइज़ अगला है वन जीरो टू जो कि ट्रेड अप्रेंटिसिस फिटर का है और इसका जो क्वालिफिकेशन है ये है मेट्रिक विथ टू इयर्स आईटीआई आई टी आई कोर्स चाहिए ठीक है गाइज़ और आई का जितना भी सारा जो रिफाइनरीज है सब में वैकेंसी है इसका भी जो अप्रेंटिसिस पीरियड है ट्वेल्थ मंथ है गाइज़ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ कि आई का जो अप्रेंटिसिस कोर्स है वो जॉब ओरियंटेड कोर्स है ऐसा नहीं है कि आई से अप्रेंटिसिस करने के बाद मतलब कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलता है मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मेरा फ्रेंड्स भी है जो आई में अप्रेंटिसिस करके अभी आई में नौकरी कर रहा है तो रेलवे का जैसा एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जैसा नहीं है कि आफ्टर डूइंग द अप्रेंटिस आपको निकाल दिया जाता है ठीक है गई तो मोस्ट ऑफ द केस मतलब नाइन्टी परसेंट रिक्रूटमेंट हो जाता है टेन परसेंट कोई लेफ्ट कर देता है ठीक है गैस तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी तो आगे देखिए नंबर थ्री है वन ट्रेड थ्री अप्रेंटिसिस बॉयलर एंड उसका जो क्वालिफिकेशन है वो है थ्री इयर्स बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई के जितना भी रिफाइनरीज है सब में वैकेंसी है देन उसका भी टाइम पीरियड है ट्वेंटी फोर मंथ नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस ठीक है नाइज उसका जो टाइम पीरियड है वो है ट्वेल्व मंथ एंड उसका जो क्वालिफिकेशन है गाइज वो है थ्री ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग ठीक है गाइज तो आई का सब रिफाइनरीज में ही आप लोगों को मिलेगा इसका वैकेंसीज तो अगला जो ट्रेड है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसिस डिसिप्लिन मैकेनिकल ठीक है तो ये मैकेनिकल का है 105 तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है थ्री इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसका टाइम पीरियड है गाइज वो है ट्वेल्व मंथ जितना भी सारा अप्रेंटिसिस है सबका टाइम पीरियड ट्वेल्व मंथ ही है ओनली इन द केस ऑफ आपका ट्रेड अप्रेंटिसिस बॉयलर जो है उसका ही जो मतलब अप्रेंटिसिस का पीरियड है वो है टू ईयर्स डेट इज ट्वेंटी फोर मंथ अगला डिसिप्लिन है वन जीरो सिक्स डेट इज टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिक ठीक है तो इलेक्ट्रिक में जो मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डिसिप्लिन में तो उसका जो क्वालिफिकेशन है थ्री ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसका टाइम पीरियड है ट्वेल्व मंथ्स एंड वन जीरो सेवन है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है गाइज इंस्ट्रूमेंटेशन में उसमें क्वालिफिकेशन है थ्री इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ठीक है तो कंट्रोल इंजीनियरिंग में मतलब थ्री ईयर्स का डिप्लोमा लेने से भी होगा उसका बाद है जो मतलब टाइम पीरियड है अप्रेंटिसिस का वो है ट्वेल्व मंथ्स अगला अप्रेंटिस है वन जो कि ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट है ठीक है गाइज काफ़ी स्टैंडर्ड है और थ्री ईयर्स इसका जो क्वालिफिकेशन है थ्री इयर्स मतलब ग्रेजुएशन इन बी ए बी एस सी और बी कॉम कोई भी रहने से हो जाएगा और इसका जो टाइम पीरियड है फिफ्टीन मंथ से नेक्स्ट है वन ज़ीरो नाइन इट इज ट्रेड अप्रेंटिसिस अकाउंटेंट उसका थ्री ईयर्स डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा सॉरी थ्री ईयर्स बी कॉम होने से हो जाएगा ठीक है तो बीकॉम ग्रेजुएट कैन अप्लाई और उसका टाइम पीरियड है ट्वेल्व मंथ्स अगला है ट्रेड अप्रेंटिसिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स अप्रेंटिसिस तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ट्वेल्व पास होने से हो जाएगा और इसका टाइम पीरियड है फिफ्टीन मंथ्स एंड लास्ट वन इज ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर एंड इसका जो क्वालिफिकेशन है ये है क्लास ट्वेल्व पास विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसका भी टाइम पीरियड है फिफ्टीन मंथ्स तो दोज आर द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल द अप्रेंटिसिज रिक्वायर्ड अप्रेंटिसिस ठीक है गाइज़ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर ट्वेल्थ ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर शुड बी फ्रॉम ए रिकोग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटीज ठीक है गाइज एंड डिसिप्लिन विथ मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड फॉर रिजर्व कैंडिडेट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स ठीक है गाइज़ तो यही मोटा मोटी बात है कि आप लोगों का जनरल होने से आप लोगों का फिफ्टी मार्क्स चाहिए एंड कास्ट से होने से कैटेगरी से होने से आप लोगों को फोर्टी फाइव माइस चाहिए एंड ओ के लिए एन सर्टिफिकेट होना पड़ेगा एन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग जिसका जिसका नहीं है एन सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज लिमिट तो मिनिमम एज लिमिट क्या है तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज शेल बी 24 इयर्स ऑन थर्टी नाइन टू तो 30 सितंबर तक उनका एज 18 इयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 24 इयर्स होना पड़ेगा देन उसके बाद रिजर्वेशन जो है जनरल ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट एंड रिलैक्सेशन ऑफ अपन एज लिमिट अप टू एस टी एस सी एन ओ बी सी एन सी एल मैंने बोला था ओबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट गाइज चाहिए ठीक है गाइज ओबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए एंड जो एज निकालने का जो मतलब रिक्वायर्ड मतलब जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो है मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाई द बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन फॉर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट्स तो डेट्स क्या है हम लोग पहले जान लेते हैं डेट्स तो पहला इम्पोर्टेंट डेट है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वो है ट्वेंटी फोर नाइन टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दैट इज़ 23 10 2022 तो 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा लास्ट डेट फॉर पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट टू सबमिट प्रेसक्राइब फॉर्मेट फॉर स्क्राइब थ्रो ईमेल दैट इज़ सी टेन बाई ट्वेंटी फाइव

फाइव नवंबर का अंदर हो जाएगा देन टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो कि सिक्स इलेवन ट्वेंटी टू मतलब जो रिटर्न टेस्ट है वो होगा सिक्स नवंबर को ठीक है गाइज देन टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट दट इज़ ट्वेंटी वन नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा एंड टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट इज ट्वेंटी एट टू सेवन दिसंबर तक ठीक है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग जो इंपॉर्टेंट डेट्स का जो फॉर्मेट है आप लोग अच्छा से देख लीजिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी मतलब कैसे करके सिलेक्ट करेगा कैंडिडेट्स को तो नंबर वन है सिलेक्शन शल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफटेन बाय देम इन रिटर्न टेस्ट तो रिटर्न टेस्ट में आपको जितना मार्क्स मिलेगा उसका ऊपर बेस करके आप लोगों का सिलेक्शन होगा टू आवर्स ड्यूरेशन रहेगा रिटर्न टेस्ट का एंड मीटिंग द नोटिस एलिजिबल क्राइटेरिया ठीक है तो इन केस ऑफ टाई मार्क्स इन द रिटर्न टेस्ट द डेट ऑफ बर्थ सीनियर शेल बी गिवन प्रीफरेंस तो डेट ऑफ बर्थ अगर मार्क्स कभी भी टाई हो जाता है हमेशा सीनियर जो रहता है उनको ही मतलब प्रीफरेंस दिया जाता है उसका बात है कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट भी इशूड टू ऑल द प्राइमर फेज एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स तो रिटर्न टेस्ट मतलब जो होगा वो उन लोग को ही बुलाया जाएगा जिसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होगा ठीक है गैस डॉक्यूमेंटेशन इन लोग का करेक्ट होगा अप्लाई करने के बाद उन लोग का रिटर्न टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड इशू होगा

confer any राइट टू क्लेम any बाय the कैंडिडेट फॉर being shortlisted फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और the फाइनल सिलेक्शन ठीक है गाई? तो बोला गया है कि अगर आप लोगों का मार्क्स फोर्टी परसेंट से एबोव आया तो आप लोग मतलब जो फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम क्लेम करने नहीं सकेंगे बिकॉज जो मेरिट लिस्ट बनेगा एकॉर्डिंग टू मेरिट बनेगा तो कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर अपेंडिसज इन एनी वन ऑफ द रिफाइनरी यूनिट ऑफ हिस चॉइस तो आप लोग मतलब तीन रिफाइनरी आसाम में है तो तीनों में नहीं अप्लाई कर सकेंगे सिर्फ अपना जो एक रिफाइनरी जो अपना लोकेलिटी में होगा आपका उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे तो कैसे करके अपलाई करना पड़ेगा वो जो नंबर फोर में दिया हुआ है कैंडिडेट्स मीटिंग द प्रेस्क्राइब एलिजिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रेड डिसिप्लिन में विजिट द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट आई ओ सी एल डॉट कॉम गो टू द व्हाट्स न्यू देन गो टू एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसिस अंडा रिफाइनरी डिवीजन क्लिक ऑन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट क्लिक ऑन द क्लिक हेर टू अप्लाई ऑनलाइन टू फिल द ऑनलाइन अप्प्लीकेशन तो मैं ऑलरेडी जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप लोग वहां से तो कॉपी कर लीजिए so, तो था आई ओ सी एल का अप्रेंटिसिस 2022 का जो डिटेल्स नोटिफिकेशन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसका जो पीडीएफ है आप लोग डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए आप लोगों का हेल्प के लिए अच्छा होगा और आसाम का जो रिफाइनरीज है गुवाहाटी डिग बॉय एंड बोंगाई गाँव जिसमें कि वन थर्टी गुवाहाटी में वन ट्वेंटी थ्री डिग बॉय में बंगईगांव में वन थर्टी सीट्स है तो आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए एंड बेस्ट विशेषज टू ऑल ऑफ यू अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर चैनल में फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए थैंक यू